और इस वक्त शकील अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं कांग्रेस के। सर बहुत शुक्रिया आपका सी सलाम को वक्त देने के लिए। इस वक्त पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, पवन खेड़ा को बताया जा रहा है कि ले भी गई है पुलिस अपने साथ, कुछ लीडरान भी उनके साथ मौजूद हैं। कैसे कांग्रेस देख रही है, क्या कुछ रुख? देखिए, ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है और मोदी जी और अमित शाह जी का बिल्कुल, पवन खेड़ा जी बिल्कुल मेरे साथ। हट गए थे और खेड़ा जी हमारे पास लाइन वाले लोग आए, उनको कहा कि आपका चिखा हुआ है, आप बैग लेके चल के ले लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं तो चल नहीं हूँ, मेरे पास कोई सामान नहीं है मेरे हाथ में। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हो सकता गया है। वो बेचारे गए नीचे, साहब कह रहे हैं कि आपको फ्लाई नहीं करने दिया जाएगा, ऑर्डर्स हैं आपको रोकने के। अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई उनको कागज दिखाइए, कौन ऑर्डर है, कहाँ का ऑर्डर है, किस कोर्ट का ऑर्डर है, किस पुलिस थाने का ऑर्डर है, क्या है, कौन सा FIR है। कुछ नहीं करते करते तब लोगों ने, कांग्रेस के साथियों ने वहां एहतजाज किया, उनसे बहस की जी। तो उसके एक घंटे डेढ़ घंटे के बाद वो कहीं से के आसाम के चीफ मिनिस्टर का है कोई, कह रहा है यूपी के चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर है, उनको फॉर्मली गिरफ्तार किया है। हम लोगों को जहाज से उतार के, अब एक बस से, हम अभी भी बस के अंदर ही हैं, एयरपोर्ट के अंदर ही हैं, दूसरे जहाज से हम लोगों को रायपुर भेजने की बात हो रही है। पवन खेड़ा जी को उन्होंने गिरफ्तार किया है, कागज नहीं दिखाया था हमारे सामने तक, और लोग यही कह रहे थे कि आप कागज दिखाइए, किसी कोर्ट का वारंट हो, किसी कहीं FIR हो, कहीं कुछ हो। शकील साहब, तो पुलिस बार बार क्या कह रही थी, पुलिस की ओर से क्या कहा जा रहा था? यहाँ पर कहा गया कि असम पुलिस ने कहा है आगे जाने नहीं दिया जाएगा, और अब तो ये भी खबर है कि उन्हें वो भी नहीं बताते हैं क्या FIR होगा, कि इन्होंने कुछ बोल दिया टीवी पर, क्या किया, क्या है क्या नहीं है, कोई ये नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जो कानून के हिसाब से चलने का होता है, बिल्कुल ये सरकार सोच समझ के गैर कानूनी काम कर रही है, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, जो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, ये सारे काम मोदी सरकार और स्पेशली मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं जी। तो तमाम लीडरान जो यहाँ धरने पर बैठे थे, एहतजाज कर रहे थे, शकील साहब, सभी की ओर से कहा गया कि जब तक पवन खेड़ा नहीं जाएंगे तब तक यहाँ से रवाना नहीं होंगे। आगे की हिकमत अमली अब कांग्रेस की क्या है? नहीं, वो बगैर कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे भी लड़ेंगे, लेकिन ये बात सही है कि हम लोग प्रोटेस्ट ये कर रहे थे कि आप कागज दिखला के इनको ले जाइए, बगैर कागज इसके, किसी के वर्बल ऑर्डर पर किसी चीफ मिनिस्टर किसी के बारे में वर्बल ऑर्डर कर देंगे। कोई कहता था कि यूपी के चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर है, कोई कहता है आसाम के चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर है, और इसीलिए जो थोड़ी बहस हुई वो इसीलिए हुई कि कोई कागजात नहीं थे उनके पास जी। तो अभी जब पवन हम लोग इसका मुकाबला करेंगे, जो भी मुल्क का कानून इसकी इजाजत देता है जी, बिल्कुल करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे जी। और हम कहेंगे कि पवन खेड़ा जी की का कोई ये नहीं है, पवन खेड़ा जी मोदी जी कांग्रेस जी। जी शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे खास बातचीत करने के लिए।